हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रीति चौधरी एंड यू आर वाचिंग ऑल नॉलेज फीवर। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे कीड़ों के बारे में, कुछ ऐसे इंसेक्ट्स के बारे में जो जनरली हमारे आसपास होते हैं, लेकिन पब्लिकली हम उनका नेम हिंदी में बोलने में हेजिटेट होते हैं। तो यू डोंट वरी, आज हम आपकी हेल्प करने वाले हैं कि उन सारे इंसेक्ट्स के नेम आप कैसे इंग्लिश में पब्लिकली बोल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन से वर्ड्स हैं। Now the first one is खटमल। खटमल को आप इंग्लिश में बोल सकते हैं bad bug। You can say it in English bad bug। Now the next one is beetle। जो झिंगुर होता है उसको आप beetle इंग्लिश में बोलते हैं। तो झिंगुर को आप आगे से इंग्लिश में बड़े ही स्मार्ट वे में beetle बोल सकते हैं। Now the next one is जो मक्खी घरों में होती है उसको बोलते हैं house fly। You can say it in English, house fly means मक्खी। Now the next one is लाल काली चित्तियों वाला कीट। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं तो इसको इंग्लिश में आप बोल सकते हैं लेडी बर्ड। यू कैन से इट इन इंग्लिश लेडी बर्ड, लाल काली चित्तियों वाला कीट। Now the next one is ततैया। ततैया को आप इंग्लिश में बोल सकते हैं वास्प। यू कैन से इट इन इंग्लिश वास्प। Now the next one is मधुमक्खी। मधुमक्खी को आप इंग्लिश में बोल सकते हैं हनी बी। यू कैन से इट इन इंग्लिश हनी बी। Now the next one is पतंगा। पतंगा को आप इंग्लिश में बोल सकते हैं मोथ। यू कैन से इट इन इंग्लिश मोथ मीन्स पतंगा। Now the next one is झींगा। झींगा को आप इंग्लिश में बोल सकते हैं कैटरपिलर। You can say it in English caterpillar, that means झींगा। Now the next one is लकड़ी से चिपका रहने वाला कीड़ा, जिसको छड़ी कीट भी बोला जाता है। आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं stick insect। You can say it in English stick insect, that means छड़ी कीट। Now the next one is जुगनू। जुगनू को इंग्लिश में बोलते हैं firefly। You can say it in English firefly, that means जुगनू। Now the next one is फल मक्खी। ऐसी मक्खी जो फलों पर बैठती है, आप उसको इंग्लिश में बोल सकते हैं fruit fly। You can say it in English fruit fly, that means फल मक्खी। Now the next one is कन खजूरा। कन खजूरा को आप इंग्लिश में बोल सकते हैं centipede। You can say it in English centipede, that means kankhajura। Now the next one is tiddi। Tiddi को English में बोला जाता है locust। You can say it in English locust, that means tiddi। और अगर हम tidda की बात करते हैं तो tidda को English में बोला जाता है grasshopper। You can say that in English grasshopper, that means tidda। Now the next one is जू। जू को इंग्लिश में बोला जाता है लाउस। यू कैन से इट इन इंग्लिश लाउस, दैट मींस जू। नाउ द नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज बिच्छू। बिच्छू को इंग्लिश में बोला जाता है स्कॉर्पियन। यू कैन से इट इन इंग्लिश स्कॉर्पियन, दैट मींस बिच्छू। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर करके आप हमें बता सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे जितनी वीडियोस ऑल नॉलेज गिवर की तरफ से अपलोड होंगी वो आपको तुरंत मिल जाएंगी। और अगर आपको कोई सवाल या सुझाव है तो प्लीज कॉमेंट करना ना भूलें। थैंक